हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय आदर्श। हाय यश, कैसे हो यश बेटा? हाउ आर यू? हाय आदर्श, कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली? क्या मेरा ऑडियो क्लियर है? गिव मी क्विक यस ऑन दैट। हेलो, ओके, सो हाउ आर यू आदर्श? यश कैसे हो? यश तो मुझे कॉल करने वाले थे बाद में, तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। आदर्श तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या कोई आया नहीं आज? कोई मूड में नहीं क्या पढ़ने के? अच्छा तो मुझे बाद में कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। अप्लाइड हिस्ट्री चैप्टर 3 जो था हमारा उसकी हम बात करने वाले हैं, एंड चैप्टर 5 जो हमारा है बहुत ही प्यारा सा मास मीडिया एंड हिस्ट्री का जो पूरा टॉपिक है उसकी बात हम करने वाले हैं, उसके MCQs हम करने वाले हैं। ये पूरे आपके बोर्ड्स में आपको जो दिए गए थे वही MCQs है, हम उसी का प्रिपेरेशन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट बुक से ही है सारी की सारी चीजें। हेलो इंद्रजीत, हाय हाउ आर यू? हेलो अनिकेत, अनिकेत ने आते ही आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो विदिशा, हाय इंद्रजीत, आप नए बच्चे हो, न्यू स्टूडेंट? ओके, न्यू स्टूडेंट एज इन आपका भी टेंथ हो गया है या आप टेंथ में अपीयर कर रहे हो? न्यू स्टूडेंट एज इन चैनल में टेंथ आपका अभी चालू है कि आपका टेंथ लास्ट ईयर हो गया हमारा? हाय अक्षर, हेलो वनिता, हाय नेहा। सो इंद्रजीत वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस साल टेंथ के लिए अपीयर करने वाले हो और ये आपका अच्छा इलेवेंथ के लिए अपीयर करोगे ना, ओके। सो आपको अगर बेटा कोई भी टॉपिक का SSC का कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का, आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना? प्लेलिस्ट में ढूंढना, हमने पहले के वीडियोस में बहुत सारे रिवीजन भी किए हुए हैं, बहुत सारे MCQs भी सॉल्व किए गए हैं। सो आपको कोई भी SSC के टॉपिक में डाउट होगा तो आप ज़रूर सारे प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए। अगर उसमें भी फिर भी वीडियो देखने के बाद भी चैप्टर में डाउट होगा तो कमेंट करिए, मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके इंद्रजीत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर CET के लिए। हेलो प्राची, गुड इवनिंग। ओके, शुड वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। चलो अच्छे खासे 4-5 लोग तो आ चुके हैं, हमारे आंसर्स हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशन एट द सिटी ऑफ डैश। तो ये कहां पे हुआ था, कौन सी सिटी में पहला म्यूजियम जो माना जाता है हमें मिला हुआ है वो मिला था, कहां था ये? बहुत लोग ने आंसर ऑलरेडी दे दिया, जो कि करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। उर करके जो जगह है, जो इजिप्ट साइड में मेसोपोटामिया के साइड में ये जगह थी, वहां पहला हमें एक्सकेवेशन में म्यूजियम मिला था। अभय नाम है आपका, ओके, हेलो अभय, वेलकम टू द चैनल बेटा। आप प्राची, यस मैंने मेल देखा था लेकिन मैं कंप्लीटली उसको स्टडी नहीं कर पाया था, मेल लाइक यू नो आपका सिलेबस वगैरह, बट मैंने मेल का मुझे नोटिफिकेशन आ चुका था प्राची, थैंक यू सो मच फॉर द मेल बेटा। सो द फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उर या UR सिंपली अगर हम कहेंगे उसे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश। तो नेशनल आर्काइव्स कहां पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया ये,
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश, कहां पर है नेशनल आर्काइव्स? बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही सिंपल है, अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल भी है ये कि नेशनल आर्काइव्स कहां पर है। चलिए फटाफट, यस वेरी गुड, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही सही आंसर है ये आपका। पहला ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में, बेसिकली दिल्ली में हमारा ये है, और ये मार्च 2019 में भी पूछा गया था। सम प्रॉब्लम आ रही क्या प्राची फॉर्म फिल करने में? आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको चेक करने में, अभी हम चेक करते, दो मिनट में रुक जाओ जरा साइट को फिर से, ठीक है? क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताना आप जरा। सो यस द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, ए ऑप्शन करेक्ट है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो ये पहला वो सब्जेक्ट है, वो पहला ये डिसिप्लिन है जो सबसे पहला माना जाता है, जिसके अंदर से सारे दूसरे साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सब कुछ उसी में से निकला हुआ है। सो इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स कहा जाता है। कौन है ये? ऑफलाइन फॉर्म भरने बोला है क्या? ओके, ये अच्छा, ये भी आपने मुझे मेल किया था, यस मैं वो पढ़ रहा था, बट उसका ऑफिशियली मैं चेक कर रहा था वर्षा जी के, इसके ऊपर मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैं फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है या लाइक क्या है करके। लेट्स सी, देखो अगर ऑनलाइन क्रैश हो रहा है तो सबको ही हो रहा है, राइट है ना, तो ज़रूर गवर्नमेंट को ये बात पता है, तो वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर करेगी। सो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम है हम अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। चलिए पहला ऑप्शन, यस बहुत सही, सभी लोग ने सही आंसर दे दिया है। ए फिलोसॉफी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डैश। तो ये मैंने आपको चैप्टर जब ये पढ़ा रहा था, बड़ा प्यारा सा चैप्टर था मास मीडिया, मेरे दिल के बड़े प्रिय है ये चैप्टर, मास मीडिया रिलेटेड टॉपिक जो है, एंड बड़ा मजा आया था ये वीडियो बनाते वक्त, जरा जरूर देखिएगा ये वीडियो। एंड तब मैंने आपको ये बात शेयर की थी कि आई हैव बीन टू नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे अब तक की जितनी बनी फिल्म्स है सभी का कॉपी उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है वहाँ पे, एंड बहुत ही प्यारी सी जगह है, और ये आपके मुंबई में रहने वालों के लिए सबसे सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर ये जगह है, दैट इज बी ऑप्शन, पुणे। मुंबई में नहीं है बेटा, पुणे में है, ठीक है? सो पुणे में है नेशनल फिल्म आर्काइव्स, याद रखिएगा नेशनल फिल्म आर्काइव्स पुणे में है, ओके? चलो ध्यान रखिएगा, मुंबई में नहीं है नेशनल फिल्म आर्काइव्स, पुणे में है, ओके? चलो और क्या है, गुड इवनिंग गायत्री बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 10:30 का न्यूज था क्या? ओके, मैं प्राची फिर से उसके बारे में थोड़ा सा पता लगाता हूँ, और लेट्स सी। ओके, बी ऑप्शन है, फोर्थ का ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कलबेलिया जो एक फोक डांस फॉर्म है, वो कौन से स्टेट का फोक डांस है, और इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। हमने पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या क्या चीजें आती है, एंड कलबेलिया एक बहुत प्यारा सा, मैंने आपको फोटोज भी दिखाने की कोशिश की थी, बहुत ही रंगीन कलरफुल ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स थे डांसर्स के, एंड बहुत ही प्यारा सा वो ये है। सो कलबेलिया जो है वो कहाँ का, कौन से स्टेट का फोक डांस? हेलो युतिका, यस करेक्ट आंसर इज राजस्थान। फिफ्थ का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान स्टेट का, ये फोक डांस है, बहुत ही प्यारा सा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द कास्ट प्लेट्यू जो हमारे महाराष्ट्र में आता है, कास्ट प्लेट्यू अगेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्लावर्स है,
बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह अलग अलग तरह के फ्लावर्स उगते हैं, एंड जिसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप ऑफ बटरफ्लाईज एंड ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है, जो नेचर के हिसाब से लाइक बहुत ही प्यारा पूरा वो नजारा है। सो इसीलिए इसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टेट बता दिया, ऑलरेडी आपको बता दिया महाराष्ट्र का एक स्टेट है, ये महाराष्ट्र का एक स्टेट है, लेकिन आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या बात है, प्राची जी का होम टाउन है, तो प्राची जी ने कास्ट प्लेटू में विजिट किया होगा। कितनी अच्छी सी बात है ये, कभी हम भी आएंगे वहां पे प्राची जी। नहीं बेटा, सोलापुर आंसर नहीं है। हाँ, पत्थर में भी फूल खिलते हैं वहां पे ना, वैसा कुछ यूनिक सा है वहां पे। यस एग्जैक्टली। सो द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट सोलापुर। बहुत लोग सोलापुर कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सातारा। सातारा इज द करेक्ट आंसर। सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न घाट्स में, वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज लिस्ट के अंदर आया हुआ हमारा कास प्लेटू। ओके, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज के लिए ये जाना जाता है, सातारा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग ये याद रखेंगे प्लीज, सातारा। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, सोलापुर किसी को लग सकता है, पता नहीं नाम से पहली बार ऐसे लग जाता है सोलापुर में होगा, लेकिन सोलापुर में नहीं है, सातारा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखो सातारा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, सो दैट इज द 6 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 5 का देखेंगे, हम सिर्फ एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। हालांकि ये सारी बाकी जो चीजें अभी आप देख रहे हो, ये सब कुछ हम लोग पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, तो अगर आपको उसका रिवीजन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी हमने ये सारा बात कर चुका है, कंसेप्ट मैप ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, सो सिंस आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, हम बस एमसीक्यूज की बात करेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। मास मीडिया एंड हिस्ट्री, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। सो ये भी बड़ा प्यारा सा चैप्टर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मास मीडिया बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है मेरे लिए। एंड इसमें हमने देखा था अलग अलग न्यूज़पेपर्स कैसे आए थे, कैसे कैसे टेलीविजन स्टार्ट हुआ था, पहला रेडियो शो, रेडियो स्टेशन कैसा था, किसने किसने अलग अलग पेपर लिखे थे, एंड ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। पूरा मास मीडिया हमने पढ़ा था, एंड बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वो स्टार्टेड बाय डैश। तो अब हमारे यहाँ पे तो रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आ चुके थे, लेकिन इंग्लिश पेपर अभी तक आया ना था, तो वो कौन थे जिन्होंने पहला इंग्लिश पेपर चालू किया था। बहुत ही सिंपल सा आंसर है और बहुत ही इजी सा आंसर है। यस, वेरी गुड, सभी ने आंसर दे दिया है और वो भी सही आंसर दिया है। दैट इज ए ऑप्शन, जेम्स अगस्टस हिकी। हिकी जी ने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था और पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर दिया था। यस, हेलो महमूद, हाय। सो ए इज द करेक्ट आंसर, सभी ने दिया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स सी द सेकेंड। टेलीविजन इज एन डैश मीडियम। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टेलीविजन से आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें सुनाई भी देती है और जो हमें दिखाई भी देती है, तो दैट इज कॉल्ड बेटा ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो विजुअल हमें दोनों यहां से मिलता है। सो टेलीविजन इज अ ऑडियो ऑडियो विजुअल काइंड ऑफ अ मीडियम। बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका, ऑडियो विजुअल। ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, यस, मैंने मेरा डिग्री मास मीडिया में किया था एक्चुअली। यस गायत्री, दैट्स करेक्ट, दैट इज द रीजन कि दैट इज माई फेवरेट, मास मीडिया एडवर्टाइजिंग मेरा डिग्री है। हेलो यशा जी, कैसे हो आप? यशा जी मेरे कलीग है, बहुत प्यारे से टीचर है हमारे, सब लोग विश करिए यशा जी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बाल शास्त्री जांबेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हमारे यहां पर। बाल शास्त्री जांबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन डैश इन मराठी लैंग्वेज। तो यहां पे आपको बेसिकली बताना है कि उन्होंने उनकी मैगजीन का नाम क्या रखा था, उनके मैगजीन का नाम क्या रखा था, उनके मैगजीन का नाम क्या रखा था। बाल शास्त्री जांबेकर जी ने अपने मैगजीन जो मराठी में
पहली मैगजीन थी ये मराठी में, उसका नाम क्या रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये आ सकता है मेरे हिसाब से आपको। चलिए, यस बहुत लोग ने आंसर दे दिया है। दर्पण आंसर नहीं है बेटा, दर्पण आंसर नहीं है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन नाम था मैगजीन का, बाल शास्त्री जांभेकर जी ने ये चालू की थी। प्लीज सब लोग याद रखिएगा ये सारे। आप नोट्स, आई होप आपने अब तक तो नोट सारे बना ही लिए, फिर भी एक नोट डाउन करते जाइए। देखो जितना लिखोगे विजुअल और हैंड रिटन प्रैक्टिस जितना होगा उतना चीजें याद रहेगी। रफली भी खाली लिखते जाओगे अभी तो भी याद रहेगी आपको वो चीज। ओके, दर्पण लोगों को कंफ्यूजिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि दर्पण वॉज अ न्यूज पेपर, जांभेकर जी का चालू किया गया पहला न्यूज पेपर, और यहां पे क्लियरली हम बात कर रहे हैं मैगजीन की, हम बात कर रहे हैं मैगजीन की। ओके, सो प्लीज ये याद रखिएगा, बाल शास्त्री जी ही थे एडिटर और स्टार्ट करने वाले। दर्पण न्यूज़पेपर होता है, दर्पण न्यूज़पेपर है, दर्पण का मतलब मिरर था हमारा, और दिग्दर्शन ये उनका मैगजीन था, वो मंथली निकालते थे। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफ्यूजन लोगों को समझ सकता हूं क्यों वो थोड़ा सा रॉन्ग हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय कृष्णराव भालेकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे जिन्होंने पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हुए, मासेस यानी जो पूरे इंडियन सोसाइटी मैक्सिमम लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए कौन सा पेपर चालू किया था, कौन सा पेपर चालू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यस आई सी द आंसर, प्राची ने ही अभी तक आंसर दिया है, लेकिन क्या ये सही है? देखते हैं। युतिका ने आंसर चेंज कर दिया मेरे ख्याल से अभी। केसरी बेटा याद रखना, केसरी तो हमारे किसका है पता है, बता दूं? नेहा जी ने भी बोल दिया यस। द करेक्ट आंसर इज, लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सबके लिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दीन बंधु। दीन बंधु, दीन यानी कि जो गरीब और जो थोड़े से लोअर कैटेगरी में आते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटस सोशल क्लास में, तो उसे दीन कहा जाता है, लोगों को दीन कहा जाता है। तो दीन बंधु यानी कि उनका दोस्त, बंधु यानी क्या होता है, दोस्त होता है, तो ये दीन बंधु। ओके, एंड याद रखिएगा ये थोड़ा सा बेटा, लोकमान्य तिलक जी का केसरी था बेटा, बाल शास्त्री जिनका है, नहीं नहीं आप वो आंसर लिख रहे थे प्राची बेटा, केसरी किसका था, केसरी लोकमान्य तिलक जी का था। ओके ठीक है, लेट्स मूव अहेड। फोर्थ का आंसर ए था, दीन बंधु। दीन बंधु याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आंसर है ये, दीन बंधु। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड टू क्लियर इट, लोकमान्य तिलक जी ने केसरी पेपर चालू किया था। ओके, न्यूज़पेपर केसरी लोकमान्य तिलक जी का था। ओके, नॉट बाल शास्त्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ वन। द डैश प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज 146 डायलैक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो कौन सा, ये पहली बात तो ये रेडियो प्रोग्राम है जो जो 24 अलग अलग भाषाओं में बजता था, चलाया जाता था, और 146 अलग अलग जो इंडियन लैंग्वेजेस है, अलग अलग डायलैक्ट्स कहेंगे उसको, लैंग्वेज नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, डायलैक्ट्स कहेंगे, उसमें ये होता था। तो जरा बताइए बेटा, पंकज ऑलमोस्ट खत्म होना है, दो ही क्वेश्चन बाकी है अभी, हो गया, हमने 8:30 को चल गया था। प्राची जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा वो नाम कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए बताइए कौन सा वो शो था,
यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसका शो बहुत ही, आपके पेरेंट्स को पता होगा ये, अगर आप उनको पूछेंगे कि मम्मी पापा ऐसे, आप पूछोगे कि कौन सा रेडियो का वो शो था, तो वो बड़े आसानी से आपको ये बता देंगे कि वो था विविध भारती, कुछ इस तरह से उसका ट्यून था, विविध भारती समथिंग लाइक दैट। सो विविध भारती था, विविध का मतलब ही होता है डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, भारती यानी कि भारत के अलग अलग लोग, और यही चीज दर्शाता है, और इसीलिए वो शो जो था अलग अलग वेरियस वेरियस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, इसलिए शो का नाम ही था विविध भारती, जिससे आप ये नाम याद रखेंगे। विविध का मतलब ही डिफरेंट होता है यानी अलग अलग, और भारत की सभी भाषाओं को रिप्रेजेंट करता हुआ। तो कौन सा वो प्रोग्राम था? ऑप्शन बी, विविध भारती इज द प्रोग्राम विच हैज ब्रॉडकास्टेड 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट लैंग्वेजेस में वो होता था। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू डैश। तो वो कौन था जिसने पहली बार एक न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर में एक इलस्ट्रेशन प्रिंट किया था? इलस्ट्रेशन यानी कि एक तरह का फिगर जैसा उन्होंने बना के बताया हुआ था, प्रिंट किया था। इसके पहले सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होता था, लेकिन इलुस्ट्रेशन प्रिंट करने वाला सबसे पहला कौन था, कौन सा पेपर था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आंसर भी, ये क्वेश्चन भी सुना हुआ है। यस, मैंने भी सुना हुआ है। कौन सा पेपर था ये? बहुत ही सिंपल, एंड अगर आपको इसका ज्ञान है तो आपका दिन जरूर उदय होगा। यानी कि पेपर है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय नाम है पेपर का, जिसको पहली बार ये मौका मिला। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग इलस्ट्रेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इंडियन न्यूज़पेपर गोज टू ज्ञानोदय। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। युतिका, नेहा बेटा याद रखिए बेटा, डी, अच्छा डी लिखा है, सॉरी मैंने उसको बी देखा, सो सॉरी। ज्ञानोदय इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज एमसीक्यू सेशन। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री के बाकी के दो चैप्टर है वो कवर कर लेंगे, 7th 8th वाले खत्म कर देंगे, एंड कल हम इसी वक्त 8 बजे के आसपास या 8:30 के आसपास हम मिलेंगे। एंड ऑनलाइन साइट क्रैश हो रही है अगर, तो डोंट वरी, डोंट टेक, डोंट पैनिक, जो भी ऑफिशियल न्यूज कुछ आती है मैं जरूर आपको उस बारे में बताते रहूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, कल मिलेंगे हम लोग इस समय, ध्यान रखिएगा सब लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, टेक केयर पीपल, गुड नाइट, स्टडी, पढ़िए, पढ़ते रहिए, एंड वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए, एंड स्माइल करते रहिए, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच अली। तरुण जी आप थोड़ा सा लेट हो गए, कल मिलेंगे, अभी वीडियो देख लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू 3000। एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। हेलो तरुण फ्रॉम हरियाणा बेटा, वाह क्या बात है, हरियाणा तक वीडियो पहुंच गई मेरे, बड़ा अच्छा फील हो रहा मुझे। थैंक यू सो मच तरुण, वेलकम टू द चैनल। SSC के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड कल लाइव सेशन ज्वाइन करिएगा 8:30 को। ओके, बाकी चैनल सर्व करिए, मजे करिए, कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा मैं।